हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द एक्सप्लोर वर्क चैनल। पीजी कॉलेज चौराहे से कुछ दूर पे खड़ा हूँ इस टाइम और मेरे सामने है ये स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर का खेल परिसर यानी कि प्लेग्राउंड पीजी कॉलेज का। आज साथ में एक्सप्लोर करेंगे इस पूरे प्लेग्राउंड को, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और पूरा देखते हैं एंड तक। इसका गेट नंबर 1 जो कि कभी कभी खुलता है और कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो ये खुलता है, बाकी हमेशा ये बंद ही रहता है। चलिए चलते हैं गेट नंबर 1 की तरफ। गेट नंबर 2 पे खड़ा हूँ अभी, जो हमेशा खुला रहता है, और गेट नंबर 1 अक्सर कभी कभी खुलता है जब ज़रूरत पड़ती है तब। चलिए अंदर चलते हैं और पूरा देखते हैं स्टेडियम को। तो अभी अंदर आ गए हैं और पूरा एक राउंड लेंगे हम इस स्टेडियम का और पूरा देखेंगे कि कहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। तो यह हमेशा अपना रूल है कि एक राउंड हम लेते हैं ग्राउंड का और पूरा देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। तो मैंने वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में देखेंगे पूरा स्टेडियम कि कहाँ पे क्या क्या है, सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो आके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एंटर करने पर ये दिखेगा आपको टावर यहाँ पे, तो इस टावर के बारे में कुछ बता देते हैं आपको। तो भाई ये टावर है, जब उस टाइम 1970 12 जनवरी 1970 को यहाँ से इंदिरा गांधी जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, उन्होंने यहाँ से पूरे जनता को यहाँ से संबोधित किया था और उसी का ये है स्टेज, ठीक है। चलेंगे राइट की साइड और देखेंगे कुछ और। तो आगे बढ़ने पर ही यहाँ पर आपको टाइमिंग दिखेगा कि खेलने का टाइम क्या है, सुबह में और शाम में, और दोनों सीजन का, गर्मी और ठंडी का। बाकी ये है चेंजिंग रूम, यहाँ पे चेंजिंग रूम है और कुछ सामान भी इसमें रखे जाते हैं स्पोर्ट्स के, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो मेरे राइट में है ये स्टेयर्स, ये सारी स्टेयर्स हैं। इन स्टेयर्स पे बैठने का काम, बैठ के मैच देखा जा सकता है, साथ ही साथ मैच देखने के तो कम क्योंकि मैच कम ही होते हैं, तो ये एक्सरसाइज के काम आता है, ठीक है। यहाँ पे सारे लेग के एक्सरसाइज किए जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इनफैक्ट करते भी हैं लोग। और ये वो ट्रैक है पीछे, आप देख रहे हो ये ट्रैक 400 मीटर का ये ट्रैक है और बढ़िया है ये। तो मैं बने रहिए, लास्ट में बताऊँगा कि आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हो, कौन कौन से गेम खेल सकते हो, ठीक है। और मेरे लेफ्ट साइड में ये है हैंडबॉल का कोर्ट प्रैक्टिस करने के लिए, ये यहाँ पे हैंडबॉल की प्रैक्टिस होती है। इस ट्रैक पर ही आगे बढ़ रहा हूँ और इस ट्रैक को चलते चलते इस ट्रैक पे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या क्या है। ये इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री लाइन, और इधर है पूरा फील्ड, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और सामने है मेरा जिमनेशियम हॉल, मेरे पीछे ये है जिमनेशियम हॉल जिसमें जिम वगैरह होता है, बाकी बैडमिंटन का भी कोर्ट है उसमें,
और जिमनास्टिक्स भी यहाँ पे प्रैक्टिस होती है। ठीक है, जिमनास्टिक और जिम में अंतर है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, जिमनास्टिक्स भाई ओलंपिक तक ओलंपिक में भी रिकॉग्नाइज्ड है और उसमें सारे एक्सरसाइजेज होते हैं, स्टंट्स वगैरह होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, चलते हैं थोड़ा और आगे। और इधर है, यहाँ पे है गेट, इसका गेट नंबर 1, जो कि अक्सर बंद ही रहता है। जब कुछ बड़ा ऑर्गेनाइज होता है इसमें तो उसको खोला जाता है, और बाकी तो बंद ही रहता है। ठीक है, एक और गेट है उसके बारे में बताता हूँ। ये वाला जो गेट है ना, ये वाला, ये है टेरी पीजी कॉलेज का गेट। तो जब भी टेरी का मैच होता है यहाँ पे क्रिकेट वगैरह का, तो वो लोग टेरी वाले इस वाले गेट से एंटर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। और इधर आने पे है ये बास्केटबॉल कोर्ट। ठीक है, ये है बास्केटबॉल कोर्ट और यहाँ पे होता है बास्केटबॉल का मैच और प्रैक्टिस भी होती हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये कोई भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, एक और बास्केटबॉल कोर्ट है नेहरू स्टेडियम में, और लेकिन उसका जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है, उसका सरफेस थोड़ा ठीक नहीं है, और बाकी ये भी सारा ये जो है ये सब टूट टाट गया है। ठीक है, तो वहाँ पे नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पे आप प्रैक्टिस होती है। ठीक है, और इधर गली में है पीजी कॉलेज, कॉलेज में एंटर करने का रास्ता। तो कभी भी मतलब कॉलेज से किसी को आना जाना होता है फील्ड में डायरेक्ट, तो यहाँ से एक रास्ता है, वहाँ से आ जा सकता है। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। आने पर ये है ये और ये पोल, ये दोनों हैं वॉलीबॉल के लिए। अभी नेट निकाल दिया गया इसमें से क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, तो जब प्रैक्टिस होती है तो लगा कि नेट यहाँ पे वॉलीबॉल खेला जाता है। ठीक है, और सामने थोड़ा आने पे ये है, मेरे पीछे ये है स्टेज। यहाँ का कुछ भी मतलब ऑर्गेनाइज होता है तो यहाँ पे मतलब कुछ भी स्टेज का काम लगता है तो यहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मतलब रोवर्स रेंजर्स का कैंप लगता है तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह होते हैं एनसीसी वगैरह के, तो यहाँ पे होते हैं। ठीक है, बाकी कुछ और बड़ा ऑर्गेनाइज करना हो तो ये फील्ड काफ़ी बड़ा है और स्टेज का काम हो तो इसी को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी तक एनुअल फंक्शन तो नहीं मैंने देखा है पीजी कॉलेज का जब से यहाँ पे रह रहा हूँ, शायद फ्यूचर में हो। राइट में कुछ अशोक के पेड़ लगे हुए हैं राइट साइड में, और वो है कॉलेज के सारे क्लासरूम्स। ठीक है, आगे बढ़ने पे दिखाता हूँ क्या है, क्या है भाई, ये वॉशरूम है। ठीक है, ये है वॉशरूम, ये गर्ल्स बॉयज वॉशरूम, और यहाँ पे है नल पानी पीने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बढ़ने पे ये देखिए, ये है फुटबॉल का, फुटबॉल के लिए है ये, यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं ये लोग। ठीक है, मेरे पीछे ये जो गेट देख रहे हैं आप, ये है शिव वाटिका के लिए। तो यहाँ से अगर किसी को जाना होता है मतलब प्रैक्टिकल के लिए तो यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन अक्सर ये बंद ही रहता है, मुझे आज तक तो मैंने इसको खुलते हुए नहीं देखा कभी। ठीक है, सोच रहे हो कि ये फील्ड इतना खाली क्यों है, तो भाई अभी मैं थोड़ा लेट आया हूँ जानबूझ के ताकि यहाँ पे भीड़ ना हो। वैसे सुबह और शाम में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आप इस ट्रैक पे चल नहीं पाओगे, अगर रनिंग भी कर सकते हो बस और कुछ नहीं, यहाँ पे चलोगे तो आपको साइड में कर देंगे। ये ट्रैक चलने के लिए बना हुआ है, ये वाला ट्रैक चलने के लिए है और ये वाला रनिंग करने के लिए। ठीक है, और अभी तो फिर नवंबर में शायद भर्ती आ रही है आर्मी की बनारस में, तो इस वजह से और भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। आपने सिनेमैटिक्स में देखा होगा कैसे रनिंग करते हैं लोग। इधर कुछ पेड़ लगाए गए हैं बड़े बड़े, और यहाँ पे एक नाव है, ये शायद एनसीसी की है। अब ये लोग इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, प्रॉबेबली ये लोग इसको यूज़ करते होंगे यहाँ पे वाटिका के जो पॉन्ड है उसमें शायद ये लोग यूज़ करते होंगे उसको, बाकी मुझे नहीं पता। आगे है वाटर सप्लाई, दिखाता हूँ, यहाँ से आप पानी पी सकते हो। ठीक है, ये है इसकी वाटर सप्लाई, यहाँ से होती है, यहाँ से अगर आपको पानी पीना तो पी सकते हो। वैसे तो यहाँ पे एक वाटर कूलर होना चाहिए लेकिन नहीं है। पीछे आप ये जो व्यू देख रहे हो कितना मस्त है, ये ग्रास की वजह से इतना मस्त लग रहा है, जिसको बड़े होने पे काटा जाता है, बराबर हमेशा मेंटेन रखा जाता है पानी देके। सैटरडे को इसमें पानी चलता है तो इस वजह से सैटरडे को शाम को शायद रनिंग नहीं हो पाती है, बाकी संडे को तो हर जगह ऑफ रहता है। आपको भी संडे को रेस्ट लेना चाहिए अगर आप एथलीट हो या फिर कुछ भी एक्सरसाइज करते हो, तो संडे को एक दिन हफ्ते में आपको रेस्ट लेना चाहिए। ठीक है, आप पूछेंगे कि यहाँ पे ग्राउंड में क्या दिक्कत है, तो एक दिक्कत मैं बताऊँगा कि यहाँ पे जो ये सारी साइकिल वगैरह है ना, सारी साइकिल वगैरह यहाँ पे खड़ी होती हैं। ठीक है, कोई साइकिल स्टैंड इन्होंने नहीं बनाया है, तो यहाँ पे आप अपनी रिस्क पे पार्किंग एट योर ओन रिस्क, ठीक है, अपनी रिस्क पे यहाँ पे अपनी साइकिल बाइक वगैरह खड़े कर सकते हो। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है तो एंड तक देखते रहिएगा, लास्ट में बताऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ के बारे में। और हाँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो नया बन रहा है गाजीपुर का, उसका वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। चलिए अब जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता है इस फील्ड में। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो भाई यहाँ पे आर्मी
की भर्ती की तैयारी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, आर्मी भर्ती रैली की जो होती है उसकी प्रिपरेशन यहाँ पे करते हैं, क्योंकि 400 मीटर का ये जो ट्रैक है और 1600 मीटर का आराम से हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, प्रिपरेशन। तो अगर आपको एथलेटिक्स की प्रैक्टिस करनी है स्पोर्ट्स में, जैसे कि 100 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर और 1600 मीटर, तो आप यहाँ पे ये लोग करते हैं प्रैक्टिस उसका, ठीक है। और क्योंकि स्टेडियम में उतना मतलब स्पेस ट्रैक सही नहीं है, यहाँ पे ट्रैक जो है वो 400 मीटर का बिल्कुल परफेक्ट है, तो इस वजह से यहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और किसी भी जॉब के लिए जैसे फिजिकल की जो इम्पोर्टेंस होती है तो उसकी भी प्रिपरेशन यहाँ पे वो लोग करते हैं, जैसे कि RPF वगैरह या फिर एयरफोर्स और भी बहुत सारे जॉब्स जिसमें रिटर्न निकालने के बाद फिजिकल होता है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस ये लोग करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे गेम्स की प्रैक्टिस होती है, जैसे सबसे पहले बास्केटबॉल, फिर वॉलीबॉल एंड फुटबॉल, हैंडबॉल। और बास्केटबॉल का कोर्ट मैंने बताया कि स्टेडियम में ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रैक्टिस होती है। साथ ही साथ यहाँ पे हाई जंप, लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो एंड वो गोला फेंक जिसको कहते हैं वो, और इसकी भी प्रैक्टिस यहाँ पे होती है, लेकिन आपको इंस्ट्रूमेंट खुद लेके आना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे गेम्स हैं जो आप यहाँ पे खेल सकते हो, आउटडोर गेम्स, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है, कहीं भी आप जगह लेके खेल सकते हो। अब कैरम बोर्ड मत खेलने लगी अलग यहाँ पे, ठीक है। आपको पता ही होगा कि गाजीपुर को कहते हैं शहीदों की धरती, वीरों की धरती, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग आर्मी में सर्व कर रहे हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में। बाकी इतनी मतलब इन लोगों में जोश रहती है जाने की इंडियन आर्मी में कि आप देख सकते हो सिनेमैटिक में कितने जोश है इन लोगों में, कितने तेज़ी से दौड़ रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से मतलब इतनी भर्ती यहाँ पे होती है ना, मतलब तीन भर्ती तो हो चुकी है ऑलरेडी 2017 में लास्ट में जो आई थी, तो उसमें बहुत सारे लोग, जितनी भी भर्ती होती है यूपी में कहीं भी भर्ती होगी, गाजीपुर के लोग पक्का सेलेक्ट होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये है गाजीपुर के नौजवान जो कि इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं और अपने देश को सर्व करना चाहते हैं। और यहीं के वीर अब्दुल हमीद के बारे में तो आपको पता ही होगा, अगर वो भी वीडियो देखना चाहते हो तो गाजीपुर सीरीज जाके चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में, ठीक है। ये वीडियो की थर्ड फेज पे आ गए हैं और अब जानेंगे कि आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आप अगर आर्मी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो ये परफेक्ट प्लेस है गाजीपुर में आपके लिए, ठीक है। और भी कोई भर्ती की तैयारी या फिर कोई भी फिजिकल की तैयारी आप करना चाहते हो, कोई जॉब दी हो और उसका फिजिकल की तैयारी करनी है, तो यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे एथलेटिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने बताया 400 मीटर, 100 मीटर और हर्डल्स आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप मैंने जितने भी गेम्स बताए हैं ऊपर, उन सबको यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये सारी बातें जो मैंने बताई उनमें से कुछ भी अगर आपको करना है तो आप बेझिझक यहाँ पे आइए, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने दिया जाएगा। स्नातकोत्तर महाविद्यालय का ये जो प्लेग्राउंड है ये कब बना ये ना तो मुझे कोई बता रहा है ना ही कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये मानते हैं कि जब कॉलेज बना था ये तभी ये भी बना था, तो भाई 1957 में। चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और क्या मेरी वीडियो देखने के बाद आप इस ग्राउंड में आएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए प्लेस के साथ गाजीपुर के, तब तक के लिए देखते रहिए एक्सप्लोर बक चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।